Assalamu alaikum and a very warm welcome to all of you on our Genius Academy YouTube and Facebook online digital platform. Dear students, hope you all are fine, and from today we are going to start a lecture series on board, जो हमारे पास बोर्ड का एग्जाम आने वाला है उसके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम आज से यहाँ पर एक्सप्लेन यानी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. इन पर आप ज़्यादा ध्यान देंगे और अगर इसमें इसके अलावा भी आप कर सकते हैं, लेकिन इतना काफ़ी है जो हम जितने क्वेश्चंस चैप्टर में जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनको हम एक एक करके चैप्टर वाइज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. और उन्हीं में आपकी फिजिक्स से मैं आज जो चैप्टर ले रहा हूं वो है आपका वर्क पावर एनर्जी. जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर का नाम है वर्क पावर एंड एनर्जी. सो वर्क पावर एंड एनर्जी जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. और इसमें भी आपको बहुत या तो 5 नंबर का भी सवाल मिलता है या 3 या 2 नंबर के सवाल भी आपको इसमें से मिलते हैं. और इसी वर्क पावर एनर्जी में अगर वर्क की बात की जाए, वर्क एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप आराम से कर सकते हैं. वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क, जीरो वर्क. और ये बस जैसे आप नोट देखेंगे, नोट से आपको आराम से इसका ज्ञान मिल जाएगा कि एक्चुअल में होता क्या है. और साथ साथ में काइनेटिक एनर्जी जो मोशन के कारण 1/2 mv² है, ये भी बहुत आसान है. लेकिन इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा टॉपिक है वो है हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम. और आज हम इस पर बात करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम पर. तो ये जो मैं हेडिंग बना रहा हूं इधर, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, ये वर्क एनर्जी थ्योरम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है हमें आने वाले जो न्यूमेरिकल्स या पूरी फिजिक्स की अगर बात की जाए, एक अच्छा टूल है. और हम इस वर्क थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम से बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर पाते हैं. लेकिन उसके लिए हमें ये कॉन्सेप्ट पहला आना चाहिए और साथ साथ में इसकी डेरिवेशन हमें आनी चाहिए, क्योंकि हमारा अभी मकसद बोर्ड को पास करना है. और बोर्ड को पास करने के लिए जो मैं बोल रहा हूं उसको आप करके जाइए तो आपका क्वेश्चन बनेगा वर्क एनर्जी थ्योरम. एक्चुअली वर्क एनर्जी थ्योरम जो है, वर्क जो है, हम जानते हैं वर्क फोर्स, वर्क की बात की जाए तो ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ थीटा होता है, जो हम जानते हैं. लेकिन वर्क के साथ साथ जो हमारी एनर्जी है, ये एनर्जी जो है ये काइनेटिक एनर्जी होती है. और ये काइनेटिक एनर्जी जो है ये 1/2 mv² के बराबर होती है, वर्क और एनर्जी. अब हमें वर्क एनर्जी थ्योरम कहती क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम बोलती क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम एक रिलेशन देता है हमें वर्क और काइनेटिक एनर्जी के दरमियान. यानी ये एक ऐसा रिलेशन हमें देता है, किस किस के दरमियान, वर्क और काइनेटिक एनर्जी के दरमियान एक रिलेशन होती है. सपोज हम यहां पर एक बॉडी लेते हैं, ये हमारे पास एक बॉडी है, इस बॉडी का मास m है और ये मास m बॉडी है, और इस बॉडी m पर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं. मैं किसी पर्टिकुलर फोर्स की बात नहीं कर रहा, वेदर इट्स अ कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, उनकी बात नहीं कर रहा. मैं एक्चुअल में फोर्सेस ले रहा हूं. ये सारे फोर्सेस हो सकते हैं, आप इसमें फ्रिक्शनल फोर्स भी ले सकते हैं. तो ये जो इस पर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, इन फोर्सेस की वजह से इस बॉडी में कुछ डिस्प्लेसमेंट, कुछ डिस्टेंस होता है. ये बॉडी m यहां पर पहुंच गई, इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट आ गया. अगर इस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी की बात करें, चलो इस टाइम जब हमने इसको देखा, इस बॉडी को देखा, उस टाइम इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, और जब इसका डिस्प्लेस हो गई तब फाइनल में इसकी वेलोसिटी जो है वो v बन गई है. अब हमें वर्क एनर्जी थ्योरम जो है ये हमें बताती है कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, जितने भी फोर्सेस हैं, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी, ये जो वर्क करते हैं, वर्क डन बाय सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी, ये जो वर्क करेंगे, दैट वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. एंड दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम. यानी वर्क डन बाय सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, वर्क डन बाय
work done by sum of all the forces is equal to change in kinetic energy. This is the statement of work energy theorem. और इसी statement को मैं यहां पर लिखने की कोशिश करूंगा, sum of work done by all the forces. अगर statement आता है तो statement में हमें क्या लिखना है, sum of work done by all the forces acting on a particle or system of particles is equal to change in kinetic energy is equal to change in kinetic energy. यानी sum of work done by all the forces, यहां देख लीजिए आप, sum of work done by all the forces, जितने भी इस पर forces लग रहे हैं उनसे जो work हो रहा है, summation, उनसे जो work हो रहा है वो work equal to होता है change in kinetic energy के. यानी जितने भी forces इस पर काम कर रहे हैं, work done, जितने भी forces work कर रहे हैं वो work change हो रही है काइनेटिक एनर्जी के चेंज में. सो यहां पर क्या लिखूंगा मैं, फिर sum of all the force दैट इज इक्वल टू डेल्टा के इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम. सिंपल लफ्ज़न मस्था वो याद कि यूज वर्क एनर्जी थ्योरम चासन यम जन फोर्सेज अप्लाई छ गसन कुनी बॉडी पे तिहुन सम यस तिम वर्क करन. Work done by all the forces, sum of work done by all the forces is equal to change in kinetic energy. This is the statement of work energy theorem. अब मैं इसको प्रूव करके देता हूं, अब मैं इसका derive करके देता हूं, how this summation F जो है ये delta K के बराबर होगा. तो अब हम derivation पर आते हैं. तो बिल्कुल आपको ऐसे ही exam में भी लिखना है, पहले statement लिखेंगे उसके बाद में हम इसको derive करेंगे, ठीक है. चलो, डेरिवेशन में हम ये जानते हैं कि जब हम एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, वी नो डी ऑफ डब्ल्यू मींस छोटा सा वर्क डन, डी ऑफ डब्ल्यू जो है छोटा सा वर्क डन वो एफ डी एस के बराबर होता है. ये हम सब जानते हैं, वो एफ डी एस के बराबर होता है. वेयर डी एस इज Where ds is the small distance, where ds is the small distance moved by the body, small distance moved by the body. Moved by the body in the direction of force applied. ये सब जानते हैं हम कि जो हमारा स्मॉल वर्क डन है और इसमें से जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है ये इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड, जो हमारा डिस्टेंस होगा इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड, उसका जो छोटा वर्क डन है, अगर आप छोटा डिस्प्लेसमेंट लेते हो तो जो छोटा वर्क डन होगा, छोटा वर्क डन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एस, एफ डॉट डी एस. अच्छा, ये छोटा कितना होता है मैंने आपको क्लासरूम के लेक्चर्स में भी बताया, छोटा मतलब कितना छोटा, बहुत छोटा मतलब प्यूंता, एक छोटा सा प्यूंता होता है, तो वो हम लेते हैं और उसके लिए हम एक स्मॉल वर्क डन लेते हैं, ठीक है. चलिए, तो इसका ये मतलब हुआ कि जो हमारा डी डब्ल्यू है, डी डब्ल्यू इज इक्वल फोर्स को क्या लिख सकते हैं, एम ए लिख सकते हैं, एम ए डी एस
ऐसा आप जानते हैं इसको हम DW जो है DW इज इक्वल टू MADSP लिख सकते हैं, राइट। और अब अगर इसी चीज को हम थोड़ा और आगे ले जाएं, DW इज इक्वल टू M और A को लिख सकते हैं DV/DT, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज अवर एक्सेलरेशन, दैट इज DV/DT, और साथ साथ में DS रहेगा, ठीक है। सो DW इज इक्वल MdV/dt/ds, ये हम ऐसा भी इसको हम लिख सकते हैं। तो यहां पर ये चीज जो है, इसी चीज को थोड़ा आगे अगर हम ले जाएं तो हम क्या लिख सकते हैं, d of w। अब dv की जगह ds ले आए तो ये बनेगा MdS/dt और साथ में रहेगा dv। कुछ नहीं किया मैंने, मैंने खाली ds को dv की जगह लिया और dv को ds की जगह, मल्टीप्लिकेशन में है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा लास्ट में जो यहां पर DW इज इक्वल MdS/dt/dv एंड वी नो दैट कि यूजिंग ds/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम जो होता है वो हमारा वेलोसिटी के बराबर होता है। जैसे अगर ds/dt दैट इज वेलोसिटी, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, d of w इज इक्वल m, ds/dt मींस v और साथ में रहेगा dv। तो हमारे पास जो लास्ट में dw इज इक्वल mv/dv। तो ये तो हमारा छोटा सा वर्क डन है। अगर हमें अब टोटल वर्क डन निकालना होगा, चलिए हमें अब टोटल वर्क डन निकालना है, कहां से कहां वर्क डन निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी u से लेकर फाइनल वेलोसिटी v तक हमें टोटल नेट वर्क डन, टोटल वर्क डन निकालना है। और हमें पता है जब एक छोटा सा वर्क डन होता है, अगर उस छोटे से वर्क डन को बड़ा वर्क डन बनाना है तो हमें क्या करना है बच्चों, हमें उसकी इंटीग्रेशन करनी है, वो इंटीग्रेट करना है कहां से कहां, U से लेकर V तक, and you will get the total work done, ठीक है? So work done on the body, work done on the body to increase its velocity, to increase its velocity from U to V, यानी वर्क डन। अब जो टोटल वर्क डन होगा कहां से कहां निकालना है, फ्रॉम यू से लेकर वी तक हमें टोटल वर्क डन निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये d of w जो है इसको इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां, MvdV जो है इसको इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट्स जो हम पुट करेंगे वो इसका जो लोअर लिमिट u से लेकर v तक हम इसको लिमिट पुट करेंगे और हम टोटल वर्क डन निकाल सकते हैं। अब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन से आपको पता है dw की जो इंटीग्रेशन होती है वो w होता है। अब हम इसको मैं यहां पे लेके आता हूं, dw की इंटीग्रेशन जो है वो w है, w। चलिए W इज इक्वल M बाहर आ जाएगा, M इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और साथ में अंदर हमारे पास बचा V dV और लिमिट U से लेकर V तक हमें इसकी इंटीग्रेशन करनी है, राइट ओके। चलिए इंटीग्रेशन करके बताइए। चलिए शाबाश, ये जो W है इज इक्वल M जो हमारे पास W है, इस V को आपको पता है जो हमारे पास x^n जी जो हमारी इंटीग्रेशन होती है वो होती है x^(n+1)/(n+1) अगर नहीं तो याद है इसकी तो अच्छी इतिहास रिवीजन करमी दस तुंजिस काबिलियत स्पष्ट में युता बरूस की तो ऐसी याद इंशाल्लाह कि अमिश जो इस इंटीग्रेशन से आसान सच से n+1/(n+1) तल से जिगर मेरा तल क्या बनियत इंटीग्रेशन क्या बनियत यद बन तेल इंटीग्रेशन v^2 और जो हमारा जो लिमिट रहेगा वो u से लेकर v तक हमारा लिमिट रहेगा, यानी इसकी जो इंटीग्रेशन है वो बनेगी v dv की जो इंटीग्रेशन होती है वो होती है क्या v^2 इसकी इंटीग्रेशन होती है और ये ऐसे। चलिए अब हम लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट पुट करिए तो ये बनेगा w इज इक्वल m, तो अपर लिमिट वही का वही रहेगा, ये बनेगा v^2
माइनस लवर लिमिट यू है तो ये बनेगा यू स्क्वायर बाई टू, ऐसा करके आ जाएगा। और इसी को अगर थोड़ा सा और हम कोशिश करेंगे एम, ये बनेगा एम वी स्क्वायर बाई टू माइनस एम यू स्क्वायर बाई टू, ये मल्टीपल अंदर लिया मैंने एम को अंदर ले लिया, ये बनेगा एम वी स्क्वायर बाई टू माइनस एम यू स्क्वायर बाई टू। तो इसी को डब्ल्यू इज इक्वल टू वन बाई टू एम, एम वन बाई टू इसमें भी, वन बाई टू इसमें भी है एम और एम, तो ये अंदर रहेगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, राइट। तो इसी को आप लिख सकते हैं W इज इक्वल टू वन बाई टू एम वी स्क्वायर माइनस वन बाई टू एम यू स्क्वायर। लेट्स हैव अ लुक, ये जो टोटल वर्क डन निकला, ये वर्क डन निकला हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर इज व्हाट? दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मीन्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी, माइनस क्या निकला? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और ये वाली चीज क्या निकली? टोटल वर्क डन। सो जो स्टेटमेंट है सम ऑफ वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल और सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जो हमारी टोटल वर्क डन होगा वो होगा बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। ये टोटल वर्क डन है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को अगर देखा जाए तो ये बनेगा W इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, बिकॉज वन हाफ ऑफ एमवी स्क्वायर इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल, माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो हम क्या लिखेंगे? W काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू डेल्टा के। दिस इज द प्रूफ ऑफ योर वर्क एनर्जी थ्योरम दैट द सम ऑफ वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। W इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, हाफ एम यू स्क्वायर। दिस इज अवर प्रूफ डेराइवेशन ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यूजन क्वेश्चन चीज वारिया ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए यूशन यू तो के। और इसके आगे जब हम चलते हैं, जैसे कि आपको क्लासरूम के लेक्चर्स में पता होगा, और उससे हम बड़े खतरनाक से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर देते हैं। और मैंने आपको अलग अलग दिखाया है कब हम वर्क एनर्जी थ्योरम को इस्तेमाल करके हम वर्क डन निकालेंगे, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी और मैं बताता हूं, आप इसको नोट करते जाइए, ये जो वर्क एनर्जी थ्योरम है। सो अब हम थोड़ा सा कंक्लूजन लेते हैं, कंक्लूजन रिगार्डिंग वर्क एनर्जी थ्योरम। सो कंक्लूजन रिगार्डिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, ये जो हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम है, दिस थ्योरम इज वैलिड फॉर ऑल सिस्टम ऑफ फोर्सेस। ऑल सिस्टम ऑफ फोर्सेस मीन्स व्हाट? इंटरनल फोर्सेस, यस, इंटरनल फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्सेस, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, इन सब के लिए ये वैलिड है। तो अगर कभी कभार ऑब्जेक्टिव आता भी है, क्या वर्क एनर्जी थ्योरम सब फोर्सेस के लिए एप्लीकेबल है? यस, इंटरनल, एक्सटर्नल, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए एप्लीकेबल है। और अगर हम सेकंड एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन की बात करेंगे, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस, दैट मीन्स पॉजिटिव वर्क डन। दैट मीन्स वर्क डन जो होगा वो होगा इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड, यानी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन या आर इन द सेम फील्ड। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस, पॉजिटिव वर्क डन हम उस टाइम बोलते हैं, उस टाइम जो है हमारा जो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट होगा वो इन द सेम डायरेक्शन होगा। बॉडी मूव इन द सेम डायरेक्शन, ऐसा भी बोल सकते हैं, बॉडी मूव्स इन द सेम डायरेक्शन
इन द सेम डायरेक्शन. और अगर कभी कभार काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल डिक्रीजेस, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल डिक्रीजेस, नेगेटिव वर्क डन होता है, नेगेटिव वर्क डन होता है, बॉडी मूव्स अपोजिट, बॉडी मूव्स अपोजिट टू द फोर्स. या द बॉडी मूव्स या वर्क डन, बॉडी मूव्स इन द सेम डायरेक्शन, हम ये भी बोल सकते हैं बॉडी मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन. जब हम किसी भी बॉडी को ऊपर फेंकते हैं तो जो काइनेटिक एनर्जी, जब हम किसी बॉडी को ऊपर फेंकते हैं तो ऊपर फेंकने पर हमारा जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगता है वो नीचे की ओर लगता है, तो तब हमारा जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो डिक्रीज हो जाती है. क्यों? क्योंकि जो हमारा मोशन होता है बॉडी का वो ऊपर होता है, लेकिन ग्रेविटी का फोर्स नीचे लगता है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है. और जब वो नीचे आता है तब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में होता है, तो काइनेटिक एनर्जी हमारी इंक्रीज.